नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक काली चिड़िया के रहस्य की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आशु और विशु दो बहनें थीं। दोनों बहनें रात के समय भी फोन पर चैटिंग कर रही थीं। विशु रात के 3 बजे अपनी बड़ी बहन आशु के साथ बातें कर रही थी, तभी उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर विशु का जो दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि यह कौन सी चिड़िया है, वह विशु नहीं जान पा रही थी क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की चहक नहीं सुनी थी। 3-4 दिन से रात को 3 से 3:15 बजे के बीच में ये चिड़िया की आवाज सुनाई देती थी। सिर्फ इस 15 मिनट के बीच में ही 2 से 3 बार ये चिड़िया बोलती थी, बाकी दिन में या शाम को कभी भी ये चिड़िया नहीं बोलती थी। विशु अपने पलंग से उठकर उस चिड़िया को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन पता नहीं उसे वो चिड़िया दिखाई नहीं दी और ना ही फिर उसकी आवाज उसे सुनाई दी। डरते डरते विशु अपने पलंग पर वापस आकर लेट गई और अपनी दीदी आशु को गुड नाइट कहकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद अब विशु की आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। विशु ये नहीं समझ पा रही थी आखिर ऐसी कौन सी चिड़िया है जो सिर्फ सुबह के 3 से 3:15 बजे के बीच में चहकती है, और वो भी सिर्फ 2 से 3 बार ही, फिर सारा दिन शाम और रात भर गायब रहती है। सोचते सोचते विशु को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह घर की चहल पहल की आवाज से विशु की आंख खुली तो विशु ने उठकर नहा धोकर जो नाश्ता करके और फिर अपने फोन पर जो वह कुछ ना कुछ देखने लगी। रात दीदी से चैटिंग हुई थी उसकी, उसे भी दोबारा से पढ़ने लगी। काफी देर तक फोन पर कहानियां वगैरह पढ़ने के बाद विशु को तब अचानक उस चिड़िया का ध्यान आ गया। जब उसका सारा जो ध्यान अपने प्यारा तोता जो था उसने पाल रखा था उसके बोलने में लगा हुआ था। चिड़िया का ख्याल आते ही विशु ने सारी बात अपनी बड़ी बहन आशु को बताई। आशु भी यह सुनकर जो थोड़ी हैरान हो गई। खैर वह सब बातें छोड़कर और अपनी बहन से चैट करने के बाद रात को फिर सो गई, और रात गहराते गहराते परिवार के लोग भी सोने चली गए थे। उसकी बहन भी सोचने लगी आखिर ये कैसी चिड़िया है। रात में करीब 2:45 बजे के आसपास अचानक से विशु की आंख खुल गई। विशु ने चारों तरफ देखा तो अंधेरा था, उसे थोड़ा डर लगने लगा। करवट बदल कर उसने फिर सोने की कोशिश करी, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से किसी ने छीन ली थी। 15-20 मिनट के बाद फिर से चिड़िया की चहक विशु के कानों में पड़ी। आवाज सुनते ही विशु हिम्मत करके फिर से पलंग से उठी ताकि आज शायद वो उस चिड़िया को देख सके, लेकिन 1-2 बार चहकने के बाद फिर से गहरी खामोशी छा गई और कहीं भी फिर वह चिड़िया नजर नहीं आई। विशु फिर से अनमने मन से पलंग पर आकर लेट गई और सोचने लगी आखिर ये कैसे हो सकता है। रोशनी की एक भी किरण नहीं है, फिर भी कैसे और क्यों चिड़िया रोज इसी समय पर आकर चहकती है, और सबसे बड़ी बात कि तोता बिल्कुल उस समय चुप रहता है जबकि दिन हो रात हो किसी भी तरह की आहट होते ही तोता पूछता है कौन है कौन है। 1-2 दिन फिर ऐसे ही बीत गए। विशु इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी आखिर दिन में या शाम को क्यों नहीं उस चिड़िया की चहक सुनाई देती है। बहुत दिमाग चलाने के बाद भी विशु को कुछ भी समझ नहीं आया। आज रात विशु एकदम चौकन्नी होकर लेटी हुई थी, जैसे ही चहक सुनेगी तो वह तुरंत उसे देखेगी। विशु की आंखों में रात की गहराई उतरती जा रही थी। तकरीबन 3 बजे विशु अपने पलंग से उठकर दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी हुई थी।
तीन पांच पर एकदम से फिर चिड़िया की चहक सुनाई दी। बिना समय गवाए वीसु दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और चिड़िया को देखने की कोशिश करने लगी। फिर से चहक गूंजी और वीसु को एक छोटी सी चिड़िया नजर आई। एकदम छोटी मुट्ठी के बराबर काले रंग की पतली लंबी चोंच वाली एक चिड़िया दीवार पर बैठी हुई वीसु को नजर आई और वीसु की नजर पड़ते ही चिड़िया गायब हो गई। वीसु डर के मारे पसीने पसीने हो गई और चुपचाप आकर अपने पलंग पर लेट गई। इस तरह से अचानक एक ही समय पर चिड़िया का चहकना और फिर गायब होना किसी आश्चर्य से कम बात नहीं थी। वीसु किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने फिर अपना फोन उठाकर अपनी पहचान के एक पंडित जी को मैसेज करके सारी घटना से जो अवगत करा दिया, उन्हें पूरी घटना बता दी। फिर आंखें बंद करके वीसु सोने की कोशिश करने लगी। सुबह फोन की घंटी बजने से जो वीसु की नींद खुली, फोन पंडित जी का ही था। कुछ देर बाद बात करने को कहकर वीसु फोन रखकर उठ गई। आज उसे पता करना था कि क्या दिन में भी वो चिड़िया आती है। तैयार होकर वीसु ने माँ से नाश्ता लेकर खाने बैठी, तब भी उसका पूरा ध्यान चिड़िया की चहक पर ही था, लेकिन उसको अब तक वो चिड़िया की चहक सुनाई नहीं दी थी जो रात के 3 बजे चिड़िया चहकती थी। दिन भर वीसु बस अपने कानों को चौकन्ना रखे हुए थी और उस चहक को सुनने के लिए दोपहर से शाम हो गई। बहुत सी चिड़ियाओं की चहक उसे सुनाई दी, लेकिन उसकी जैसी नहीं जिसका वीसु को इंतजार था। शाम गहराते ही चिड़ियाओं की चहचाट भी बंद हो गई। वीसु ने फोन उठाया और पंडित जी को जो कॉल किया और कहने लगी, पंडित जी मैं वीसु बोल रही हूँ। पूरा दिन और अभी तक मैंने ध्यान लगा के हर चहचाट को सुना है, लेकिन उस चिड़िया की चहक मुझे सुनाई नहीं दी। पंडित जी ने उधर से जवाब दिया, वीसु बेटा ध्यान से सुनो, आज रात फिर तुम उस चिड़िया की आवाज को सुनने की कोशिश करना और उसकी गतिविधि पर ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे बेटा, वो तुम्हें देख ना पाए, वरना शायद कल की तरह आज भी वो गायब हो जाएगी। वीसु बोली, जी पंडित जी, और यह कहकर वीसु ने फोन रख दिया। रात का खाना खाकर वीसु अपने फोन पर 2:45 बजे का अलार्म लगाकर फिर अपने फोन में बिजी हो गई। फोन पर पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। बीच रात में अचानक उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठकर अपने फोन पर समय देखती है तो एकदम से दरवाजे की तरफ भागी, क्योंकि 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी था। अब वीसु दरवाजे से सटकर वो ऐसे खड़ी हो गई जिससे उसको बाहर का सब कुछ दिख रहा था, लेकिन बाहर से कोई भी उसे नहीं देख सकता था। खड़े खड़े वीसु सोचने लगी कि उसने अलार्म तो 2:45 बजे का लगाया था, फिर वो बजा क्यों नहीं। उसने जब फोन में देखा तो पता चला कि अलार्म तो लगा था, लेकिन वो उस अलार्म को ऑन करना भूल गई थी। खड़े खड़े ही वीसु को 15 मिनट हो चुके थे। अब उसने देखा कि 3:10 हो चुका है और अभी तक उस चिड़िया की आवाज ना तो सुनाई दी है और ना ही चिड़िया दिखाई दी है। 2-3 मिनट और बीते तो वीसु को लगा शायद जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, ये मात्र एक संयोग है कि कोई चिड़िया 3 से 3:15 बजे के बीच चहकती है। जैसे ही वीसु पलट के अपने पलंग पर जाने के लिए मुड़ी, उसे फिर से चहक सुनाई दी। वीसु ने मोबाइल में समय देखा तो 3:14 लिखा हुआ था। इसी बीच एक बार फिर से चहक सुनाई दी। वीसु ने देखा कि चिड़िया वीसु को ही देख रही थी। वीसु तो डर से कांपने लगी, उसे लगा कि वो चिड़िया अपनी आंखों से ही उसको खा जाएगी। और देखते ही देखते अचानक से फिर से वो चिड़िया वीसु के सामने से गायब हो गई। अब वीसु बुरी तरह डर कर कांप रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी आखिर वो सच में कोई चिड़िया है
या चिड़िया की हम सकल में कोई भूत प्रेत? ये ख्याल आते ही वीसु जो भागकर अपने पलंग पर चादर तान के लेटकर और ईश्वर का नाम लेने लगी। लेकिन चिड़िया की आंखें उससे भूले नहीं भुलाए जा रही थी। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह की पहली किरण पड़ते ही वीसु को नींद आ गई। और सुबह 9 बजे जब वह उसकी माँ ने उसको आवाज दी, तब वह जो उठी तो देखा कि सुबह के 9 बज रहे हैं। क्योंकि सारी रात तो वो सो नहीं पाई थी, इसलिए वीसु की नींद थोड़ी लेट खुली। थोड़ी देर बाद वीसु ने फोन उठाकर पंडित जी को फिर से फोन किया और बोली, पंडित जी नमस्ते। और यह कहकर वीसु ने रात की सारी बात पंडित जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी ने कहा, वीसु आज फिर तुम्हें एक बार उस चिड़िया को देखना होगा और उसकी गतिविधि पर भी नजर रखनी होगी। वीसु बोली, जी पंडित जी। और उसने जो पंडित जी की बात को हाँ कहकर फोन रख दिया। आज रात वीसु एकदम चौकन्नी होकर जाग रही थी। जैसे ही 3 बजे चिड़िया की चहक सुनाई दी, वीसु ने दरवाजे से छुपकर देखा कि चिड़िया फुदकते हुए एक बार और चहकी और फिर उड़कर बगल वाले घर के लकड़ी के दरवाजे में जाकर गायब हो गई। वीसु ने उसे बाहर निकलकर देखा, लेकिन चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखाई दी। अब वीसु को समझ नहीं आ रहा था कि जब बंद दरवाजे से चिड़िया कैसे गायब हो सकती है। बंद दरवाजा है, कोई एक छेद भी उसमें नहीं है, लेकिन चिड़िया कैसे अंदर जा सकती है? अगर दरवाजे में कोई सुराख होता तो वह समझ सकती थी, लेकिन दरवाजे में कोई सुराख कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही दरवाजा थोड़ा बहुत खुला हुआ था कि जिसमें से चिड़िया अंदर चले जाए। अब वीसु को बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर बंद दरवाजे से चिड़िया अंदर कैसे चली गई। अब वीसु बहुत ज्यादा घबरा गई और डर कर अपने पलंग पर आकर बैठ गई। उसने उसी समय जो पंडित जी को फोन करके मैसेज कर दिया और सारी बात बता दी। पलंग पर लेटे लेटे वह यही सोच रही थी, आखिर कैसे चिड़िया दरवाजे पर ही गायब हो गई। इसी उलझन में उसने पूरी रात बिता दी। सुबह होते वीसु को नींद आ गई। जब उसकी मम्मी ने उसको कस के पकड़कर हिलाया और बोला, फोन बज रहा है वीसु तुम्हारा, तब जाकर वीसु की आंख खुली। अधखुली आंखों से जब उसने फोन उठाया तब तक फोन बंद हो चुका था। वीसु ने देखा कि 2 मिस कॉल पंडित जी की उसके फोन पर पड़ी हुई थी। तभी एक मैसेज उसके फोन पर आया। उसने उसे खोल के देखा, तब जाकर पता चला कि वो पंडित जी का ही मैसेज है जिसमें उन्होंने उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया था। घंटा भर बाद तैयार होकर वीसु नाश्ता करके पंडित जी के घर पहुंच गई। बातचीत में ही वीसु ने पिछले 5-6 दिन से हो रही घटनाओं को जो पंडित जी को विस्तार पूर्वक बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद पंडित जी बोले, बेटा तुम्हारी बातों से तो लगता है कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, फिर भी तुम एक काम कर सकती हो क्या? वीसु बोली, हाँ आप बताइए पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? पंडित जी बोले, देखो वीसु, मैं तुम्हें ये 2 नींबू दे रहा हूँ, एक तुम अपने घर पर और दूसरा अपने बगल वाले घर पर रखना और कल मुझे लाकर दे देना, फिर मैं देखता हूँ क्या होगा। कहते हुए पंडित जी ने 2 नींबू वीसु के हाथ में अलग अलग कपड़ों में बांध कर दे दिए। वीसु के लिए अपने घर पर नींबू रखना तो आसान था, लेकिन बगल में जो भाभी रहती हैं उनके घर पर वो कैसे नींबू रखेगी, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो दोनों नींबुओं को लेकर अपने घर आ गई। एक नींबू उसने अपने घर पर रख दिया। अब वो सोचने लगी कि क्या बोलेगी पड़ोस वाली भाभी को या कैसे उनके घर पर वो नींबू रखेगी। फिर कुछ सोचते वो अपने बगल वाले घर चली गई। वहां खड़े होकर वो कुछ उस दरवाजे को देख रही थी, बड़े ध्यान से उसका मुआयना कर रही थी।
कि उस दरवाजे में कहीं कोई सुराख तो नहीं था, लेकिन उसमें दीवार में भी कोई छेद नहीं था। दरवाजा तो बिल्कुल ठीक था, दीवार भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चिड़िया इससे अंदर कैसे जा सकती है? यही सब वह सोच रही थी। अभी बीसु के हाथ में जो नींबू लिए खड़ी दरवाजे को ही देख रही थी कि वैसे ही झट से दरवाजा खुल गया और एक छोटी सी बच्ची सामने आकर बोली, अरे बुआ जी आप, कोई काम है क्या? तो वह बोली, खुशी नाम था उस बच्ची का, वह पूछ बैठी। तो वीसु कहने लगी, नहीं खुशी बेटा। अचानक से जो वह पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, खुशी बेटा वो क्या है, कई दिनों से तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दी, तो सोचा कि पूछ लूं चल के कि उनका क्या हाल है। खुशी कहने लगी, बुआ जी मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है कई दिनों से, इसलिए वो कहीं बाहर भी नहीं निकल रही हैं और ना ही काम पर जा रही हैं। अभी तो मम्मी सो रही हैं, आप कहें तो मैं मम्मी को जगा दूं। जो खुशी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा था, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी वीसु कहने लगी, अरे नहीं नहीं खुशी रहने दो, मैं फिर आऊंगी। और वीसु अपने घर वापस आ गई। खुशी यही कोई 12-13 साल की लड़की थी जो अपनी विधवा माँ और बड़े भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ जिसको वीसु भाभी कहती है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। घर खर्च चलाने के लिए और बच्चों की फीस के लिए वो एक दो घरों में खाना बनाने का काम करती थी। क्योंकि अब आकाश जो भाभी का लड़का था बड़ा, वो थोड़ा बड़ा हो गया था और एक दुकान में सेल्समैन का काम करके अपनी माँ की मदद कर रहा था। पड़ोसी होने की वजह से वीसु की भाभी से जो अच्छी बातचीत थी और वह भाभी उन्हें बुलाती थी, दोनों में अच्छी पटती थी। वीसु घर आकर सोचने लगी, आखिर किस तरह से वो नींबू भाभी के घर पर रखे। इसी उधेड़ बुन में वीसु को पूरा दिन निकल गया और वीसु तो नींबू तो नहीं रख पाई, लेकिन भाभी के घर पर दिन में से शाम हो गई। यही सोचते सोचते फिर वीसु ने एक बार फिर नींबू के लिए रखने की कोशिश करके वो सोचने लगे, एक कोशिश और करके देखती हूँ। यह सोचकर वह फिर पड़ोस वाली भाभी के घर गई। वीसु ने दरवाजा खटखटाया तो फिर से खुशी ने दरवाजा खोल दिया और वीसु अंदर चली गई और जाकर जहाँ भाभी लेटी हुई थी उनकी पलंग के पास खड़ी हो गई। तो खुशी ने कुर्सी दे दी कि बुआ आप इस पर बैठ जाओ। भाभी भी जगी हुई थी और पलंग से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वीसु मना करते हुए बोली, नहीं भाभी लेटी रही है आप, अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या हो गया था अचानक से आपको? तब भाभी कहने लगी, पता नहीं वीसु, हफ्ता भर से रोज रात 3 बजे के आसपास आँख खुल जाती है और ऐसे लगता है जैसे कोई घर में आया हो। एक दो बार उठ के भी देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आया। उसके बाद मुझे अजीब सी उलझन सी होने लगती है और नींद नहीं आती। सुबह होते होते पूरा बदन ऐठने लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे पकड़ के निचोड़ दिया हो। बोलते बोलते भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वीसु ने भाभी की हिम्मत बंधाई और कहा, भाभी आप आराम कीजिए। और इसी बीच धीरे से वीसु ने नींबू जो भाभी के पलंग के नीचे रख दिया, जिससे किसी की उस पर नजर भी ना जाए। और वीसु अपना काम पूरा करके अपने घर लौट आई। रात हुई और फिर से 3 बजे वीसु ने चिड़िया की चहक को 2 बार सुना, लेकिन आज वो लेटी रही और जाकर बाहर कुछ नहीं देखा। सुबह उठकर तैयार होने के बाद वीसु अपने घर का नींबू उठाकर और भाभी के घर चली गई। उसने देखा भाभी अभी भी सोई हुई है। उसने वहां से नींबू उठाया और खुशी को बोलकर कि वो शाम को आएगी कहते हुए उनके घर से बाहर निकल गई। अब पंडित जी के घर वह जाने लगी। पंडित जी के घर पहुंचकर उसने वीसु ने दोनों नींबू पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने पहले जो वीसु के घर का नींबू वाला कपड़ा खोला और उसको काटा तो वो बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने भाभी के घर का नींबू काटा तो वीसु डर गई। उस नींबू का रंग जो था एकदम लाल था
और ये क्या हुआ, इसका रंग कैसे लाल हो गया? घबराए हुए विशु ने पूछा पंडित जी से। तब पंडित जी बोले, बेटा मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ, उस घर पर किसी का साया है, इसी वजह से इस नींबू का रंग लाल हो गया है। पंडित जी ने जब विशु को बताया तो विशु कहने लगी, पंडित जी अब क्या होगा और ये किसका साया है, कैसे पता चलेगा? एक साथ इतने सारे सवाल विशु ने पूछ डाले तो पंडित जी बोले कि वो उस घर पर जाकर पूजा करेंगे, तभी उस साये से उन लोगों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने विशु को बोला कि वो बात करे अपनी भाभी से और पूजा की तैयारी करवाए। विशु फिर वापस अपने घर आ गई और बैठे बैठे सोच रही थी कि वो क्या बोलेगी भाभी से और कैसे कहेगी, खुशी से या उनके बेटे आकाश से भी नहीं कह सकती, किससे कहे, यह सब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह यही सोच रही थी कि तभी किसी ने विशु के घर का गेट जोर जोर से खटखटाया। आवाज आ रही थी, बुआ बुआ, और जल्दी से जो विशु ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही खुशी से पूछा, क्या हुआ खुशी बेटा? तो खुशी बोली, बुआ मम्मी की तबीयत को कुछ हो गया है। हाँ बुआ, अचानक से मम्मी का पूरा बदन ऐठने लगा है और भैया भी घर पर नहीं है, आप जल्दी से चलिए। खुशी घबराई जा रही थी। विशु ने जल्दी से खुशी को थोड़ा शांत किया और उसके घर की तरफ भागी। विशु ने जाकर देखा तो भाभी पलंग पर पड़ी हुई थी और उनका पूरा बदन ऐठा हुआ था, आंखें चढ़ी हुई थी। विशु तो एकदम से उन्हें देखकर घबरा गई। फिर हिम्मत करते हुए विशु ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया। उनके आने तक विशु और खुशी ने भाभी की हथेली और तलवों को रगड़ना शुरू कर दिया। कोई 10-15 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए और एक इंजेक्शन देकर कुछ दवाओं को लाने के लिए बोला और कुछ टेस्ट भी करवाने के लिए बोला। तब तक खुशी ने अपने भाई को भी फोन कर दिया और आकाश भी घर पर आ चुका था। शाम होते होते भाभी की तबीयत में कुछ सुधार आ चुका था और वो दवाई खाकर आराम कर रही थी। विशु की चिंता अब और बढ़ने लगी थी, किस हाल में वो कैसे सारी बात इन लोगों को बताए और कैसे पूजा के लिए तैयार करवाए। रात को खाना खाकर विशु ने एक बार फिर से भाभी के घर जाकर उनका हालचाल लिया। अभी भी भाभी सो रही थी। विशु वापस लौटने लगी तो उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे घूर कर देख रहा हो। तभी एक अजीब सी गंध से विशु का सिर जो घूमने लगा और वो जल्दी जल्दी कदमों से अपने घर वापस आने लगी, क्योंकि अब उसे चक्कर से आ रहे थे। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए जल्दी से वो अपने घर के अंदर चली गई। अपने घर में आने के बाद विशु ने चैन की सांस ली और अब उसे थोड़ा ठीक सा फील हो रहा था। रात को खाना खाकर विशु छत पर टहलने चली गई। उसकी छत और भाभी की छत मिली हुई थी। दोनों के घर के बीच बस एक दीवार की वजह से अलग अलग थे। ज्यादातर सरकारी घर ऐसे ही होते हैं। अभी विशु टहल कर थक चुकी थी, इसलिए बैठ गई और बैठकर अपने फोन को चलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा है। तुरंत ही उसने पलटकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो फिर अपने फोन में बिजी हो गई। कुछ देर बाद उसे फिर से लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आया। उसे लगा शायद यह उसके मन का वहम है। यह सोचकर वो फिर से अपना फोन देखने लगी। अचानक ही कोई उसके ऊपर कूदकर एक कोने में चला गया तो विशु जो है बहुत तेजी से चिल्लाते हुए उठकर खड़ी हो गई तो देखा एक काली बिल्ली छत के कोने पर बैठी हुई थी और अपनी लाल लाल आंखें जो बड़ी करके विशु को घूर रही थी। जैसे ही उसने भयानक तरह से म्याऊं बोला वैसे विशु डर कर एकदम कांपने लगी। धीरे धीरे बिल्ली आगे बढ़ने लगी, विशु पीछे हटने लगी। थोड़ा और आगे बढ़कर बिल्ली ने विशु पर छलांग लगाई। वैसे विशु नीचे झुक गई
और बिल्ली बगल वाली छत पर कूद गई और देखते ही देखते गायब हो गई। यह देखते ही वीशु के पसीने छूट गए और एकदम से वो चिल्ला कर नीचे भाग गई। आज रात तो उसे बहुत ही डर लग रहा था। जैसे तैसे उसने सोने की कोशिश की लेकिन आंख बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई, लेकिन बहुत देर बाद उसे नींद आ गई। अब वो आराम से सोने लगी। बीच रात में एक आवाज से वीशु की आंख खुल गई। उसने फोन में टाइम देखा तो 2:55 हो रहा था। उसकी इस तरह से इस टाइम पर आंख खुलने से घबराहट बढ़ गई और फिर उसे ध्यान से वही आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से वो जग गई थी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वो आवाज किसी बच्चे की थी। वो उठकर उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आगे के रूम में पहुंचकर उसने उस आवाज पर ध्यान लगाया तो उसे एक छोटे से लड़के की दबी दबी सी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था कि वो लड़का रो रोकर धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। बहुत कोशिश करने पर वीशु ने थोड़ा साफ सुनाई दिया कि वो दबी आवाज में लड़का रो रोकर अपनी मम्मी से कह रहा था कि वीशु के कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और बल्कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वीशु वापस अंदर की तरफ आने लगी तो उसे दीवार पर फिर से वही चिड़िया दिखाई दी। उसे देखते ही वीशु बहुत ही बुरी तरह डर गई और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन इतनी देर में उसने देख लिया था कि वो चिड़िया उसे घूर रही थी। उसने दरवाजा बंद करते ही जो चिड़िया चहकी और उसी के साथ एक बार फिर वही छोटे लड़के की रोने और मम्मी कहने की आवाज वीशु के कानों में पड़ी, जिसके सुनते ही वीशु की रूह कांप गई। वीशु अपने पलंग पर ना जाकर अपनी मम्मी की बगल में लेट गई और पूरी चादर तानकर अपने डर को काबू करने की कोशिश करने लगी और भगवान का नाम लेते लेते कब वीशु को नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा 10:00। घर पर सभी लोग उठ चुके थे सिवाय उसके। वो भी जल्दी से उठकर नहाकर तैयार हो गई और मम्मी से नाश्ता लेकर खाने लगी। खाते खाते अचानक उसे रात की बात याद आ गई और फिर उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसको नाश्ता ना करता देखकर उसकी मम्मी बोली, क्या हुआ है वीशु तुम्हें? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? रात को कुछ बुरा सपना देखी थी क्या जो डर कर मेरे पास आ गई? बेटा क्या बात है बता। वीशु को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि वो बताए रात की बात या नहीं। फिर कुछ सोचते हुए वीशु बोली, मम्मी बुरा सपना तो नहीं था, लेकिन रात को किसी बच्चे के रोने और मम्मी मम्मी कहने की आवाज से आंख खुल गई थी, लेकिन जब बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, इसी वजह से मम्मी मैं बहुत डर गई थी। वीशु की मम्मी कहने लगी, बेटा रात को इस समय गेट खोलकर अकेले नहीं निकला करो, यह समय ठीक नहीं होता। ऐसे आधी रात को बिना किसी को बोले बाहर निकलना सही नहीं है। वीशु ने की मम्मी ने वीशु को समझाते हुए कहा तो वीशु बोली, ठीक है मम्मी, और फिर वापस वह जो अपना नाश्ता करने लग गई। थोड़ी देर बाद वीशु ने सोचा क्यों ना भाभी से जाकर उनकी तबीयत पूछी जाए। यह भी सोचकर वीशु भाभी के घर चली गई। आज वीशु ने देखा तो भाभी जगी हुई थी तो वीशु कहने लगी, कैसी तबीयत है भाभी? और कुर्सी पर बैठते हुए वीशु ने जैसे ही पूछा तो भाभी बोली, ठीक है तबीयत, अब तो अभी दवाई खा कर लेटी हूँ। खुशी बता रही थी कि कल रात को तुम चिल्लाकर छत से नीचे भागी थी, क्या हो गया था तुम्हें? अब भाभी से वीशु ने सवाल कर दिया तो वीशु बोली, हाँ भाभी वो एक काली बिल्ली मेरे ऊपर कूद गई थी, फिर दोबारा छलांग लगाई तो मैं हट गई और वो आपकी छत पर जा गिरी और एकदम से गायब हो गई। वीशु ने जो डरते डरते सारी रात की बात भाभी को बता दी। भाभी, वीशु कहने लगी, मुझे आपसे एक बात करनी है, पता नहीं कहना ठीक होगा या नहीं, हिचकते हुए वीशु ने कहा। तो भाभी बोली, बोलो वीशु क्या बात है? वैसे भी मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी, सोचा था तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी, लेकिन फिर तबीयत ऐसी हो गई कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी पलंग से उठने तक की भी।
भाभी ने कहा, पहले आप बताओ विशु, क्या कहना चाहती हो? तब विशु बोली, नहीं भाभी, पहले आप बताओ आप क्या कहना चाहती हो, फिर मैं बताऊंगी। शायद आपको मेरी बात, आपकी और मेरी बात एक ही हो। विशु ने कहा तो भाभी को सोचते हुए बोलने लगी, विशु पिछले एक हफ्ते से जाने क्यों रात 3 बजे के आसपास अपने आप आंख खुल जाती है, फिर ऐसे लगता है जैसे घर में कोई है, फिर एकदम से अजीब सी उलझन परेशानी मुझे होने लगती है, पूरा बदन ऐसे लगता है कि भारी सा हो गया, थोड़ी देर बाद एक अजीब सी ऐठन होने लगती है मेरे पूरे शरीर में, जैसे किसी ने बदन को जो निचोड़ दिया हो, और फिर उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आती, सुबह होते होते कमजोरी बढ़ने लगती है, फिर आंखें बोझिल हो जाती हैं और नींद आने लगती है। विशु बोली, भाभी मुझे भी इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, दरअसल लगभग एक हफ्ते से मैं भी इसी समय यानी 3 बजे के आसपास जग जाती हूँ, एक चिड़िया की आवाज मुझे सुनाई देती है, फिर वो चिड़िया आपके दरवाजे पर गायब हो जाती है। विशु ने कहा तो वह कहने लगी, रात को चिड़िया बोलती भी है भाभी? आश्चर्य से भाभी ने पूछा, क्या चिड़िया बोलती भी है? तो विशु बोली, हाँ भाभी, रात को चिड़िया की चहक मुझे सुनाई देती है, बल्कि मैंने तो खुद उस चिड़िया को देखा है अपनी आंखों से, वो छोटी सी काली चिड़िया है, उसकी चोंच एकदम पतली है, सुई की जैसी बिल्कुल नुकीली है। फिर विशु आगे बताने लगी, भाभी मुझे तो कोई चिड़िया की चहक जब सुनाई देती है, पहले तो मैंने उसे अनसुना किया, लेकिन बाद में मैंने उस पर ध्यान दिया। तब भाभी बोली, विशु लेकिन मुझे तो कोई चिड़िया की चहक सुनाई नहीं देती रात को, जबकि मैं भी तो उसी समय जगी रहती हूँ। भाभी फिर आश्चर्य से बोली, तो विशु बोली, भाभी मैंने इसी सिलसिले में बरगद वाले पंडित जी से बात करी थी, उन्होंने 2 नींबू दिए थे मुझे, एक मेरे घर और एक आपके घर में रखने को, मैंने आप वाला नींबू यहीं आपकी पलंग के नीचे रख दिया था और दूसरे दिनों से ले गई थी आपके पास से। विशु ने डरते डरते जो बता दिया। तो भाभी बोली, नींबू मेरे पलंग पर रख कर गई थी तुम? एक बार फिर से भाभी को आश्चर्य हुआ। तो विशु बोली, हाँ भाभी मैं आई तो थी आपसे पूछकर ये काम करने के लिए, लेकिन मुझे लगा पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करेंगी या नहीं, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, फिर मैं चुपचाप आपके पलंग के पास उस नींबू को रखकर चली गई। जब बाद में मैंने वो नींबू पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने मेरे सामने जब वो नींबू काटा तो वो खून जैसा लाल निकला। तब पंडित जी ने बताया कि आपके घर पर कोई साया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपके घर पूजा करना चाहते हैं, इसी वजह से। विशु ने भाभी को पूरी बात बता दी। कुछ देर भाभी बैठी बैठी विशु की बातें सुनने लगी, लेकिन वो इस तरीके से बैठी रही जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि विशु ने उनसे क्या क्या कह दिया है। वो फिर आश्चर्य जताते हुए बोली, क्या कह दिया विशु तुमने ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर काफी देर बाद बोली, विशु तुम मेरे साथ चलना बरगद वाले पंडित जी के यहाँ, मैं उनसे बात करूंगी। विशु बोली, ठीक है भाभी जैसा आप कहें, लेकिन क्या आप जा सकेंगी वहां तक? विशु ने सोचते हुए बोली। तो भाभी बोली, हाँ मैं कोशिश करूंगी, ऐसा करना विशु तुम शाम को उनसे पूछ लेना पंडित जी से, अगर मिल सकें तो हम शाम को चलेंगे। विशु बोली, ठीक है भाभी मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। कहकर विशु ने अपना फोन पंडित जी को मिला दिया और फिर बात करके फोन रख दिया और बोली, भाभी पंडित जी बोल रहे हैं कि शाम को कहीं पूजा करने जाना है उन्हें, दोपहर में ही वो घर पर मिलेंगे, तो वो बोले हैं कि दिन में आने के लिए। तो भाभी बोली, ठीक है ऐसा करते हैं कि दिन में ही चलते हैं उनके पास। तो विशु बोली, ठीक है भाभी। दोपहर को 1 बजे के आसपास विशु भाभी को लेकर पंडित जी के घर पहुंची। भाभी की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो लोग पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने दोनों से बातचीत शुरू भी नहीं करी थी कि भाभी को देखकर वो तुरंत विशु को भाभी को घर छोड़कर वापस आने को बोले।
विशु भाभी को घर तक छोड़कर वापस पंडित जी के पास पहुंची। वहां पंडित जी ने उसे बताया, ये जो औरत अभी आई थी उस पर एक नहीं बल्कि सात सात आत्माओं का साया है। कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी हैं, लेकिन बुरी आत्मा ज्यादा है जिसकी वजह से शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही है, और धीरे धीरे वो आत्माएं अपने साथ इसको ले जाएंगी। पहले तो सिर्फ एक ही साया था इस पर, लेकिन अब वो साया अपने साथ और आत्माओं को ले आया है। यह सब बात सुनकर विशु तो बिल्कुल डर गई और मनी मन सोचने लगी कि वो भूत के साथ बैठकर बात कर रही थी क्या, और मनी मन वो डरने लगी, कांपने लगी। पंडित जी ने उसे समझाया, विशु डरो नहीं, हिम्मत से काम लो बेटा, डरने से काम नहीं चलेगा। विशु की हालत देखकर पंडित जी सब समझ गए कि विशु घबरा रही है, इसलिए पंडित जी ने विशु को कहा, बेटा हिम्मत से काम लो। और विशु ने अपने आप को थोड़ा संभाला और बोली, पंडित जी थोड़ा सुनकर डर तो लगता ही है। तो पंडित जी बोले, हाँ बेटा लेकिन हिम्मत से काम लो। विशु बोली, पंडित जी क्या हर वक्त वो सभी आत्माएं भाभी के शरीर में रहती हैं? पंडित जी बोले, नहीं बेटा हर वक्त आत्माएं नहीं रहती हैं, अभी उनके शरीर में नहीं थी लेकिन मुझे दिख गया सब, एक आत्मा किसी बच्चे की है, पंडित जी ने कहा। तो विशु बोली, हाँ पंडित जी मैं आपको बताना भूल गई, कल रात मुझे फिर 3 बजे आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो चिड़िया की नहीं एक बच्चे की थी जो धीरे धीरे रो रहा था और मम्मी मम्मी कह रहा था। मैंने जब बाहर निकल के देखा तब मुझे कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया, बल्कि वही काली चिड़िया जरूर दिख गई और वो मुझे घूर रही थी पंडित जी। विशु ने रात की पूरी घटना जब पंडित जी को बताई और कहा कि पंडित जी एक काली बिल्ली भी मुझ पर कूदी थी और दोबारा झपट्टा मारने को हुई तो मैं हट गई और फिर वो गायब हो गई। विशु की आंखों में ये बताते हुए डर जो साफ झलक रहा था। पंडित जी ने विशु से कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि वहां आकर पूजा कर लूंगा, लेकिन अब पूजा से पहले मुझे बहुत से इंतजाम करने होंगे। तुम एक काम करना बेटा, उनके घर के किसी सदस्य से बोलकर सुबह घर के कोने, जो घर के जितने भी कोने हैं उनकी मिट्टी लाकर मुझे दे देना, मेरा बिना तैयारी के वहां जाना ठीक नहीं है। विशु बोली, ठीक है पंडित जी मैं उनकी बेटी से आज ही बोल दूंगी और कल सुबह पहले घर के कोनों की मिट्टी लाकर वो सबसे पहले जो झाड़ू लगाए आपको दे जाएंगे। विशु ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, पंडित जी वो तो ठीक है, अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पंडित जी बोले, नहीं विशु बेटा थोड़ा हिम्मत रखो और अब तुम घर जाओ, और हाँ अपना ध्यान रखना, अब रात में चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना सुनाई दे बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ नुकसान हो सकता है। वैसे एक काम करो, ये लो सुरक्षा धागा, इसे अपने गले या हाथ में बांध लो, यह अभिमंत्रित धागा है और यह हर तरह की शैतानी ताकत से तुम्हारी रक्षा करेगा बेटा। कहते हुए पंडित जी ने एक लाल रंग का धागा विशु के हाथ पर रख दिया और विशु ने उसे अपने गले में बांध लिया। घर आकर विशु की जो हिम्मत थी, जो एकदम वो हार चुकी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भाभी के घर जा सके और उनसे बात भी कर सके, लेकिन उसे उनके घर की मिट्टी चाहिए थी जिसके लिए उसको खुशी से बात करने होगी और खुशी से बोलने के लिए उसे घर जाना ही था। थोड़ी देर विशु यूं ही बैठी रही, फिर जब वो बाहर निकली तो देखा खुशी बाहर ही खड़ी थी, अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। विशु ने उसे अपने पास बुलाकर बोला, खुशी देखो तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी को लेकर मैं पंडित जी के घर गई थी, उन्होंने पूजा करने को बोला है, लेकिन उससे पहले उन्हें तुम्हारे घर के चारों कोनों की मिट्टी चाहिए, कल सुबह जब तुम झाड़ू लगाना तब चारों कोनों से मिट्टी निकालकर एक साफ कपड़े या कागज में रखकर मुझे दे देना, लेकिन याद रहे बेटी किसी को भी यह बात तुम नहीं बताओगी, खासकर अपनी मम्मी से नहीं, उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। विशु ने खुशी को हिदायत दे दी किसी को ना बताने की।
तो खुशी बोली, ठीक है बुआ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मेरी मम्मी तो ठीक हो जाएंगी ना बुआ। खुशी की बात सुनकर जो बिशु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ खुशी बेटा बिल्कुल, अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम और आकाश वैसे ही करना जैसे पंडित जी ने कहा है। बिशु ने उसको समझा दिया और खुशी गर्दन हिलाकर वहां से चली गई। रात का खाना खाकर खुशी बैठी हुई थी कि उसकी मम्मी ने उससे थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, खुशी ये सब क्या चल रहा है, तुम किसी के चक्कर में पड़ी हुई हो, ये रोज रोज पंडित जी के घर क्यों जा रही हो, और ये सीमा जिसे मतलब वो भाभी बोलती थी उसका नाम सीमा था, उसे क्यों लेकर गई थी तुम, क्या बात है बताओ मुझे। विशु ने फिर अपनी मम्मी की डांट पर शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी बात अपनी मम्मी को बता दी। उसकी मम्मी का तो मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। फिर कुछ देर बाद रुककर वे अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, देखो बेटा ये तो सच्चे की आत्माएं होती हैं, और ये भी सच्चे की अच्छी के साथ साथ बुरी आत्मा भी होती हैं, लेकिन बस बेटा तुमसे मैं यही कहूंगी, तुम इन सब मामलों से दूर ही रहो, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मम्मी, विशु कहने लगी, देखो पंडित जी ने ये धागा दिया है, ये मंत्र पढ़कर पंडित जी ने मुझे दिया है, यह अभिमंत्रित धागा है जिससे मेरी हर बुरी और शैतानी ताकत से रक्षा होगी मम्मी। और विशु ने अपनी मम्मी को समझा दिया। रात को जब सब गहरी नींद में थे तब विशु के पैरों को किसी ने छुआ। विशु एकदम से उठकर बैठी तो देखा कोई भी नहीं था, वो एकदम से डर गई, जब कोई नहीं था तो आखिर उसके पैरों को किसने छुआ। तभी उसे भुआ भुआ सुनाई दिया। वो उठकर धीरे से अपने कमरे के बाहर आई, उसको साफ सुनाई दे रहा था कोई बच्चा उसे भुआ भुआ कहकर पुकार रहा था, लेकिन कौन। वो ये देखने के लिए उस गेट को खोलना ही चाह रही थी कि उसे याद आया कि पंडित जी ने और मम्मी ने भी रात को ऐसे बाहर निकलने के लिए मना किया है। उसने समय देखा तो 3 बज रहे थे। टाइम देखते ही फिर से उसको घबराहट हो गई और वो मुड़कर वापस अपने पलंग की तरफ बढ़ गई। तभी फिर से उसे दर्द भरी आवाज सुनाई दी जो कि उसको बुआ बुआ कहकर पुकार रही थी। अब विशु से रहा नहीं गया, उसने गेट खोल दिया। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, काली रात अपनी चरम पर थी। विशु को थोड़ा डर लगा पर हिम्मत बांधते वो बाहर निकली। चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा शायद दिन भर ये सब जो बातें हुई हैं उसी का असर उसके दिमाग पर हो रहा है। उसे लगा कि कोई उसकी आवाज लगा रहा है। ये सोचते हुए वापस पलटी तो चीख मार के गिर पड़ी। उसकी चीख सुनते ही उसके मम्मी पापा दोनों जग गए और देखा कि गेट खुला है। दोनों बाहर आए तो विशु जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसको उठाकर अंदर ले गए और उसे होश में लाए। होश में आते ही विशु जोर जोर से रोने लगी और उसकी मम्मी उसे चुप कराकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम बाहर क्यों निकली थी और बेहोश कैसे हो गई। विशु बोली, मम्मी वो विकास दीवार पर बैठा हुआ मुझे बुआ बुआ कहकर पुकार रहा था। डरते डरते विशु ने किसी तरह से बात बोली और फिर रोने लगी। मम्मी ने पापा की तरफ आश्चर्य से देखा। फिर पापा ने विशु को समझाते हुए कहा, बेटा नींद में कोई सपना देखा होगा तुमने, विकास कहाँ से आएगा बेटा, जरूर तुम्हारा वहम होगा, भूल जाओ ये सब बेटा और हिम्मत रखो। विशु बोले, नहीं पापा मेरा कोई भी वहम नहीं था, मैंने कोई सपना नहीं देखा, जब मैं सो रही थी तो किसी ने मेरे पैर छुए और विकास जब भी आता था तो मेरे पैर छूता था और वो ही मुझे बुआ बुआ कहकर बुलाता था। जब मैं बाहर निकली तो दीवार पर बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो तभी बुआ बुआ कह रहा था। कहते हुए विशु जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि मम्मी वो विकास ही था। तब विशु की मम्मी ने विशु को गले से लगा लिया और उसे चुप कराने लगी। काफी देर बाद विशु सो पाई, उसकी मम्मी वहीं उसके साथ ही उसके कमरे में सो गई। अभी विशु को सोए हुए कुछ समय ही हुआ था कि फिर से विशु के कानों में आवाज गूंजी, बुआ मेरी मदद करिए, बुआ मुझे छुड़ा लीजिए। आवाज सुनते ही विशु की आंखें खुद खुल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा वो उसका सपना था या सपने में ही विकास उससे यह बात कह रहा था।
सुबह उठने के बाद बिशु ने सपने वाली बात अपनी मम्मी को बताई। मम्मी से कहने लगी, मम्मी विकास किसी मुसीबत में है, उसे हमारी मदद चाहिए। तभी वो पहले मुझे दीवार पर बैठे दिखा, फिर सपने में भी आकर बोला मदद करने के लिए। सोचते हुए बिशु कहने लगी, लेकिन उसकी मम्मी, बिशु बेटा ये कैसे हो सकता है भला, तुम ही बताओ भला विकास कैसे किसी मुसीबत में हो सकता है। विकास तो अब इस दुनिया में नहीं है बेटा, उसकी मौत हुए तो काफी साल हो गए हैं। मम्मी ने बिशु को समझाना चाहा, लेकिन बिशु बोली, लेकिन कोई तो बात है मम्मी जिसकी वजह से विकास यूं बेचैन दिखा मुझे। कल पहले उसने आकर पहले मेरे पैर छुए, मुझसे मदद मांगी और वो भी रो रहा था। और तुम्हें याद हो तो मम्मी, जब वो बच्चा बहुत प्यारा और हसमुख था, रोते हुए तो कभी मैंने उसे देखा ही नहीं था। लेकिन हाँ मम्मी, जब उसकी किसी बात पर कभी पिटाई हो जाती थी तभी रोता था, वरना नहीं। और रात को जब मैंने उसे देखा तो वो रो रहा था। और हाँ मुझे याद आया मम्मी, पहले भी जब मुझे छोटे बच्चे के रोने और मम्मी मम्मी कहने की आवाज़ सुनी थी तो वो उसी की थी, तभी भी वो रो रहा था। और इससे साफ पता चल रहा है कि वो जरूर मर के भी परेशान है। अब जो बिशु की मम्मी कहने लगी, बेटा तू नाश्ता कर। और बिशु नाश्ता करके तैयार हो गई। तब तक खुशी ने कागज में अपने घर के कोनों की मिट्टी लाकर खुशी ने जो अपनी बुआ को दे दी बिशु को। मिट्टी लेकर बिशु अपनी मम्मी को बोलकर पंडित जी के घर के लिए निकल गई। उनके घर पहुंचकर बिशु ने देखा तो पंडित जी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बिशु को देखते ही पंडित जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, ले आई तुम मिट्टी। तो वह बोले, असल में मुझे अभी एक जगह जाना है, तो मैं सोच रहा था कि तुम जल्दी से आ जाओ तो मैं देख सकूं कि मामला क्या है। बिशु ने मिट्टी उनके हाथ में देते हुए बोली, लीजिए पंडित जी, आप देख लीजिए और फिर बताइए कि आखिर क्या बात है। पंडित जी ने कागज हाथ में लिया और अपने पूजा वाले कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब निकले तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीर थी, जिसको देखकर बिशु पूछ बैठी, पंडित जी सब ठीक तो है ना, क्या बात है, आपको चिंतित दिख रहे हैं। पंडित जी आकर कुर्सी पर बैठ गए और बोले, बेटा उस घर पर पूरी 7 आत्माएं हैं, जिनमें से 2 उस घर की औरत की हैं और 1 छोटा लड़का और 1 जवान आदमी। क्या उस औरत का कोई बेटा था जो नहीं रहा, और क्या वो औरत विधवा है। तो बिशु बोली, हाँ पंडित जी, भैया की कई साल पहले बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, और उसके 1-2 साल बाद उनका छोटा बेटा विकास, जो कि 7-8 साल का था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। बिशु ने पंडित जी को बता दिया। तो पंडित जी ने पूछा, बेटा वो कैसे मरा था। तो बिशु बोली, पंडित जी वो जो ना एकदम से तेज बुखार हो गया था, अस्पताल ले जाते समय जो रास्ते में खत्म हो गया था वो। कहते कहते बिशु की आंखें भर आईं। बिशु ने विकास को जो बहुत ही अच्छे से देखा था सपने में, और सपने में जो बातें हुई वो भी पंडित जी को बताई कि कैसे वो रो रो कर मदद मांग रहा था। बिशु की सब बातें सुनने के बाद पंडित जी बोले, बेटा मुझे लगता है कोई बड़ी बात है, इसलिए पहले मैं यहीं अपने घर पर अनुष्ठान करके उसके बेटे विकास से संपर्क करके बात करूँगा और पता करूँगा कि क्यों उसे मदद चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है उसे, फिर मैं बताऊँगा आगे क्या करना है। और आज की रात मैं ये अनुष्ठान करूँगा बेटा। पंडित जी ने बिशु को बोला कि अब जो भी बात होगी वो कल सुबह मैं तुम्हें बता दूंगा। बिशु अपने घर आ गई। घर आकर आज उसका दिन तो ऐसे ही बीत गया, और रात होते ही बिशु ने जो खाना खाकर सोने चली तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं आज रात को क्या होगा। लेकिन वो अपने कमरे में बैठी हुई अपना फोन चला रही थी, और बिशु को फोन चलाते चलाते नींद आ गई। और जब वह आराम से सो रही थी तो बिशु को अचानक उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा मारा, जिससे उसकी नींद खुल गई। गाल पर हाथ फिराते हुए बिशु उठकर बैठ गई और देखा कि उसकी पलंग पर एक औरत बैठी थी। उसको देखते ही बिशु की सांसें अटक गई, डर की वजह से वो पसीने पसीने हो गई। कमरे में हल्का उजाला था जिस वजह से उस औरत को देख पा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था
आखिर वो औरत कौन है। धीरे धीरे औरत वीसु की तरफ बढ़ने लगी। चाहते हुए भी वीसु भाग नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसे पलंग पर जकड़ लिया हो। और वो औरत अब वीसु के बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से वीसु को गुस्से से जो बहुत बुरी तरह से घूरा और अपने हाथ को बढ़ाकर उसका गला पकड़ लिया। वीसु बुरी तरह से छटपटाने लगी। उसका गला दबने लगा और आंखें एकदम लाल होने लगी। जैसे तैसे वीसु अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने गले पर उस औरत की पकड़ को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वीसु ने अपने गले को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और पलंग से उतरकर भागी। जैसे ही वो भागी, वैसे ही उस औरत ने वीसु को पीछे से एक जोरदार धक्का दिया, जिससे उसका दीवार में जो सिर जा टकराया और एक चीख के साथ ही वीसु बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके मम्मी पापा दोनों ही उसके पास बैठे थे। वीसु ने उठने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने सहारा देकर उसे उठाया, फिर प्यार से वीसु के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हो गया था? रात को तुम इतनी क्यों जोर जोर से चीखी थी? तुम्हारी चीख सुनकर जब हम आए तो देखा तुम अपने पलंग पर लेटी हुई थी और कुछ बुदबुदा रही थी। तुम्हें छूकर देखा तो पता चला तुम्हें तो बुखार है। डॉक्टर ने तुम्हें एक इंजेक्शन देकर गया है, तब जाकर तुम अब जागी हो। अब बताओ क्या हुआ था रात को? वीसु ने रात की सारी बात याद की तो उसे ध्यान आया, रात में उसका सिर दीवार से टकराने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी और उसके कमरे में एक औरत थी जिसने उसका गला दबाया था और उसे धक्का भी दिया था। लेकिन मम्मी ने क्यों नहीं उस औरत के बारे में कुछ कहा? यही सब ख्यालों में वीसु खोई हुई थी कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ रात को? कोई सपना देखा था? कोई डरावना सपना था क्या? तब वीसु बोली, मम्मी पापा, जब आप लोग मेरे कमरे में आए तब मैं कहाँ थी? जमीन पर पड़ी थी क्या मैं? और क्या कोई औरत थी मेरे कमरे में? वीसु ने पूछा तो उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे और फिर नामे सिर हिलाते हुए बोले, उसके पापा ने कहा, जब हम तुम्हारे कमरे में आए बेटा तब तुम अपने पलंग पर लेटी हुई थी और शायद किसी डरावने सपने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी, जिस वजह से जो कुछ तुम बोल रही थी लेकिन हमें कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। और हाँ, कमरे में तो कोई भी नहीं था तुम्हारे सिवाय। वीसु ने जब ये बात सुनी तो उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। रात को एक औरत उसके कमरे में थी, उसने वीसु को एक थप्पड़ भी मारा था, फिर गाल भी पे जो कि उसके बहुत जोरों से उसकी नींद खुल गई थी और उसका गला भी दबाया था, धक्का भी दिया था, फिर कैसे मम्मी पापा के आने से पहले वो भाग गई, किसी को नहीं दिखी। अभी वीसु सोच ही रही थी कि वीसु की मम्मी ने टोका, बेटा क्या तुम आराम करोगी? लगता है तुमने कोई बहुत ही डरावना सपना देखा है। वीसु भी कुछ ना कहकर बस गर्दन हिलाकर लेट गई और मम्मी पापा भी उसके उठकर बाहर चले गए। वीसु ये सब सोच ही रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी रात में उसके साथ हुआ वो एक सपना था या हकीकत में कोई औरत आई थी उसके कमरे में जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। वह यही सोचते हुए अचानक से उसे ध्यान आया कि जब उसका सिर दीवार से टकराया था तब माथे पर उसे बहुत ही जोरदार चोट लगी थी। तुरंत ही उठकर वो शीशे के सामने गई और अपना माथा देखने लगी। जैसे उसने माथे से जो अपने सामने के बालों को पीछे किया वैसे डर कर उसको पसीना आ गया। चोट लगने से माथा लाल पड़ गया था, सूजन भी थी उसमें। तभी उसने शीशे में फिर से अपने पीछे उसी औरत को खड़ा देखा। जैसे ही वीसु ने मुड़कर देखा वैसे ही वो औरत गायब हो गई। वीसु एकदम कमरे से भाग खड़ी हुई। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो पता चला पंडित जी का फोन है। पंडित जी ने वीसु को अपने घर आने के लिए बोला, लेकिन वीसु ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए रात की और अभी की सारी बात पंडित जी को सुना दी, जिसे सुनकर पंडित जी बोले, बेटा जिसका डर था वही हुआ, अच्छा ठीक है मैं ही तुम्हारे घर आता हूँ। कहते हुए पंडित जी ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद वीसु से मिलने पंडित जी
उनके घर आ गए और उन्होंने सबके साथ बैठकर बातचीत की और सारी बातों से विशु के मम्मी पापा को साथ परिचित करवाया। फिर बोले, कल रात मैंने उस लड़के विकास से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी और आत्मा के जो उससे बहुत अधिक शक्तिशाली है उसके बस में है, जिसकी वजह से मेरा उससे बहुत देर तक संपर्क नहीं हो पाया। उसने बताया कि वो अपने पापा के साथ इसी घर में कई सालों से रह रहा था, लेकिन एक दिन कोई और आत्मा भी आ गई जिसको वो नहीं जानता। उस आत्मा के साथ और भी आत्माएं हैं, वो सब विकास और उसके पापा को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हैं। चूंकि दोनों अल्पायु में काल का ग्रास हुए हैं तो उनका अभी मुक्ति नहीं मिल पाई है। जब तक वो अपनी उम्र पूरी नहीं कर लेंगे तब तक वो लोग यूं ही भटकते रहेंगे। तब विशु ने सवाल किया, तो पंडित जी क्या होगा अब, क्या भाभी ऐसे ही बीमार रहेंगी? पंडित जी बोले, नहीं बेटा, मैं उन आत्माओं को बस में करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन ये काम अकेले नहीं कर सकता। मुझे साथ में एक दो और सिद्ध ब्राह्मण चाहिए जिनके साथ मिलकर मैं ये अनुष्ठान पूरा करूं और उन दुष्ट आत्माओं को अपने कब्जे में ले सकूं। पंडित जी ने जवाब दिया तो वह कहने लगे, आप किसको और साथ में लेंगे? आपकी पहचान के तो बहुत पंडित जी होंगे ना? विशु कहने लगे। तो पंडित जी बोले, हाँ पहचान में तो बहुत से हैं, लेकिन इस काम के लिए मैं अलखनंदन अघोरी से बात करूंगा, क्योंकि अघोरी जी सिद्धि प्राप्त कर रहे होते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो इस काम में मेरी मदद करेंगे। पंडित जी बोले, तब तक विशु के पापा ही पूछ बैठे पंडित जी से, तो क्या आप मेरे या बगल वाले घर में अनुष्ठान करेंगे पंडित जी? पंडित जी बोले, नहीं, मैं अपने ही घर पर या जहां अलखनंदन जी बताएंगे वहां पर अनुष्ठान करूंगा। लेकिन हाँ विशु, तुम्हें अब सावधान रहना पड़ेगा, और हाँ, मैंने जो तुम्हें धागा दिया है उसे मत उतारना, उन्होंने विशु को हिदायत देते हुए कहा था। तब विशु बोली, धागा? अरे मेरे गले में से धागा कहाँ चला गया? विशु ने अपने गले को हाथ लगाते हुए कहा, उसके गले में वो अभिमंत्रित धागा ही नहीं था। धागा कहाँ चला गया? तुम्हारे गले में तो नहीं है? पंडित जी बोले, धागा नहीं है इसी वजह से कल तुम पर उस आत्मा ने हमला किया, वरना किसी भी आत्मा की इतनी हिम्मत नहीं वो धागा होते हुए किसी को छू पाए। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं भी आप तीनों को ये सिंदूरी पीला धागा दे रहा हूं, आप लोग इसे चाहे तो गले में या हाथ पर बांध लीजिए, और मैं घर को भी मंत्रों से बांध देता हूं, कोई भी आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। कहते हुए उन्होंने धागा तीनों को देकर और उस घर को मंत्रों से पढ़ते हुए गंगा जल छिड़कते हुए सुरक्षित कर दिया। फिर जाते जाते पंडित जी बोले कि जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए तब तक वो लोग उस धागे को बिल्कुल भी ना हटाएं, और अपने गले में हाथ से जो विशु ने धागा पहनने के बाद खुद से जो काफी आराम और हल्कापन महसूस किया। फिर विशु को याद आया, आखिर उसने वो धागा नहाते समय गीला होने के डर से उतार दिया था और बाद में वापस पहनना भूल गई थी। उसने तुरंत बाथरूम में जाकर देखा तो वहीं ऊपर उसे वो रखा हुआ मिल गया। विशु वापस अपने कमरे में आकर लेट गई, फिर अपना बुखार नापने लगी। अब उसने देखा उसका बुखार बिल्कुल उतर चुका था, फिर वो आराम करने लगी और सो गई। दोपहर में उसे फोन की घंटी से जो उसकी नींद खुली, उसने देखा किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। विशु ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तू, लेकिन हम लोगों को वहां से नहीं निकाल पाएगी, और हम इस औरत के शरीर पर कब्जा कर ही लेंगे और इसको भी अपने जैसा ही बना देंगे। और बहुत ही भयानक हंसी के साथ फोन कट गया। अब विशु अपना फोन एकदम से पलंग पर फेंक दिया और भागकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब उसने अपना फोन उठाकर देखा और जिस नंबर से कॉल आई थी उसे चेक करने लगी, तो देखा कि आखिरी कॉल कोई अनजान नंबर से नहीं थी, आखिरी कॉल तो पंडित जी की ही थी जो भी उन्होंने सुबह फोन किया था। अब विशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका बहम था या सच में कोई कॉल आई थी। जब उसने फोन उठाया था तब उस पर प्राइवेट नंबर लिख के आ रहा था, लेकिन अब तक कुछ दिख ही नहीं रहा था। अब तो उस पर
सिर्फ पंडित जी का नंबर दिखाई दे रहा था। खैर बिसु ने उसे अपना बहन मानकर उस बात को भुलाना ही ठीक समझा और यही सोचकर वह अपनी मम्मी के पास चली गई और अपना मन बहलाने के लिए मम्मी की मदद करने लगी। तभी गेट को किसी ने खटखटाया और बिसु ने जाकर देखा तो बगल वाली भाभी जी खड़ी हुई थी। बिसु उन्हें देखते ही घबरा गई और अटकते हुए बोली, हाँ भाभी बताइए, आप यहाँ कैसे, कोई काम है क्या? तो भाभी बोली, हाँ बिसु तुमसे ही काम है, जरा घर चलो मेरे, भाभी ने घूरते हुए कहा। अब तो बिसु का डर और बढ़ गया। वो समझ गई कि हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ सोचते हुए बिसु बोली, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ रहा है, मैंने अभी दवाई खाई है और मैं सोने जा रही हूँ, आप बताइए क्या काम है। भाभी बोली, अच्छा ठीक है, शाम को आ जाना। और कहते हुए जो भाभी अपने घर चली गई, तब जाकर बिसु की जान में जान आई। बिसु वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर लेटने के बाद उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसका फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया तो देखा पंडित जी का फोन था। उसने कहा, हेलो पंडित जी बताइए। तो बिसु ने बोला तो उधर से उन्होंने बताया कि आज की रात को बेटा अलकनंदन अघोरी के साथ वो शमशान में पूजा करेंगे और उन आत्माओं को वश में करेंगे, लेकिन उन्होंने एक हिदायत दी है कि हो सकता है आज रात बिसु के लिए भयानक रात हो, क्योंकि वे आत्माएं हो सकता है बेचैन होकर उसे परेशान करें, लेकिन बेटा उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंदूरी धागा उसी से तुम्हारी रक्षा होगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे उसे बांध कर ही रहना, लेकिन हाँ उससे एक बात का ध्यान जरूर रखना, पूजा खत्म होने तक वो भाभी और उनके घर से दूर रहें और रात को चाहे कितनी भी आवाजें क्यों ना लगाएं कोई बाहर नहीं निकलना। शाम होते होते बिसु की घबराहट और डर दोनों बढ़ गए। किसी तरह रात का खाना खाकर बिसु अपने को सामान्य करने में लगी हुई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। अभी उसे हल्की नींद लगी ही थी कि उसे अपने कमरे में किसी के होने की आहट हुई। उठकर जब उसने देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर वापस लेट गई तो एकदम से चिड़िया की चहक उसे सुनाई दी। उसने फिर से कमरे में नजर मारी तो वह काली चिड़िया उसे अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठी दिखाई दी। बिसु उसे देखते ही डरकर भागने लगी, लेकिन तभी एकदम से उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चिड़िया चहकते हुए बिसु के सिर पर मंडराने लगी। बिसु ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठ गई। अगले पल चिड़िया की चहक सुनाई देना बंद हो गई। बिसु ने अपनी आंखें धीरे से खोली तो देखा चिड़िया कमरे में नहीं थी। बिसु धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकलने को हुई, तभी अचानक से फिर से चिड़िया आ गई और वह जोर जोर से चीखने लगी। बिसु डरकर पलंग के नीचे छुपकर आंख बंद करके बैठ गई। कुछ देर में फिर से चिड़िया की चहचहाट बंद हो गई। बिसु ने फिर अपनी आंख खोली और नीचे से निकलकर पलंग पर बैठ गई। जब वो पलंग पर बैठी हुई थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा वैसे उसकी जोर की चीख निकल गई। पीछे दीवार से सटकर वह खड़ी हो गई। पलंग पर एक औरत बैठी हुई थी, अपनी लाल लाल आंखों से बिसु को घूरे जा रही थी। अभी बिसु उसी औरत को देख रही थी। उसे अपने बगल में किसी और के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा उसकी बगल में एक आदमी खड़ा था। बिसु को तो मानो काटो तो खून नहीं, डर के मारे वो थर थर कांपने लगी। पसीना उसके माथे पर छलक आया, वो बिल्कुल जड़ हो गई थी। कमरे में मौजूद दोनों आदमी औरत बिसु को घूरे जा रहे थे। बिसु को तो लग रहा था कि अब वो चक्कर खाकर गिर जाएगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसने हिम्मत करी और जोर से चीखी। उसके चीखते ही दोनों आदमी और औरत एकदम से गायब हो गए। तभी उसके दरवाजे पर एक खटखट के साथ उसकी मम्मी पापा ने बिसु को आवाज लगाई। बिसु ने झट से दौड़कर दरवाजा खोला और मम्मी के गले लगकर रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसको चुप कराते हुए पलंग पर बिठाया और उसका माथा सहलाने लगी। बिसु डर की वजह से अभी भी रोए जा रही थी, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। पापा ने उसे पानी पीने के लिए दिया और उसकी मम्मी ने अभी
उसे कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। वह वही विशु के साथ ही पलंग पर लेट गई ताकि विशु सो सके, लेकिन विशु की आंखों में नींद नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर काफी देर तक आंखें बंद करके लेटे रहने के बाद भी विशु को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा तो उसकी मम्मी सो गई थी और वो भी सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर वैसे ही लेटे रहने पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके स्टडी टेबल पर कोई चढ़कर बैठा हुआ है। डरते डरते उसने आंख खोली तो देखा कि वही औरत उसकी टेबल पर उकड़ू बैठी हुई थी और विशु के उठते ही उस औरत ने उस पर छलांग लगा दी। विशु ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर तुरंत ही उसने अपनी आंखें खोल दी क्योंकि उसको अब चिड़िया की चहक सुनाई देने लगी थी। आंख खोलते ही उसने देखा कि कमरे में चिड़िया चहकती हुई उड़ रही है। उसकी आवाज से उसकी मम्मी भी जग गई। उन्होंने भी जब चिड़िया को देखा तो हैरान रह गई, बंद कमरे में कहां से चिड़िया आ गई। उन्होंने विशु की तरफ देखा, वो तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। किसी तरह से उन्होंने विशु को उठाकर पलंग पर लिटा दिया और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी। होश में आते विशु डरते डरते बोली, मम्मी मम्मी वो चिड़िया कहाँ गई। वो चिड़िया नहीं है बल्कि एक औरत है जो कभी चिड़िया बन जाती है तो कभी औरत। मम्मी विशु को संभालते हुए बोली, बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं है, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, कोई चिड़िया कोई औरत नहीं है यहाँ। चलो अच्छा तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो, हम वहीं सोएंगे साथ में। कहते हुए उसकी मम्मी विशु को कमरे से बाहर ले जाने लगी। बाहर निकलते ही विशु की नजर घड़ी पर गई, देखा रात के 3 बज रहे थे। विशु के चेहरे पर डर की साफ झलक दिखने लगी। पूरे घर में एक अजीब सा शोर होने लगा। विशु और उसकी मम्मी के साथ साथ उसके पापा भी उस शोर को समझ नहीं पा रहे थे। अचानक से एक तेज गंध पूरे घर में फैल गई, लगा जैसे कोई चमड़ा जल रहा हो। तभी उन सबको बगल वाली भाभी की आवाजें सुनाई देने लगी। वो भाभी अजीब सी तरह से चीख रही थी और लग रहा था जैसे दर्द से छटपटा रही हो। विशु के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी वो चीख सुनकर घबरा गए। पहले उन्होंने सोचा जाकर देखने के लिए, लेकिन फिर पंडित जी की बात याद आते ही वो रुक गए। कुछ देर तक ये सब चलता रहा, कभी अजीब सी आवाजें तो कभी तेज गंध, कभी कई साए घूमते दिख रहे थे। 3:30 बजते बजते धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। तभी एकदम से चिड़िया की चहचाट बहुत तेज सुनाई पड़ी और लगा जैसे वो कट गई हो और गिर कर छटपटा रही हो। भाभी की भी एक तेज चीख सुनाई पड़ी, फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और विशु के कमरे में एक धुएं का गुबार निकलकर हवा में गायब हो गया। विशु और उसके मम्मी पापा एकदम शांत होकर बैठे थे, सब देख और सुनकर महसूस भी कर रहे थे। तभी अचानक से सभी चौंक पड़े, देखा तो विशु का फोन बज रहा था। विशु के पापा ने विशु के कमरे से फोन उठाकर ले आए और विशु के देते हुए बोले, बेटी पंडित जी का फोन है, उठाओ देखो क्या बोल रहे हो। विशु ने डरी डरी सी आवाज में हेलो बोला। उधर से पंडित जी ने कुछ बोला और फोन कट गया। विशु को फोन रखते ही उसकी मम्मी बोल पड़ी, बेटा क्या बोल रहे थे पंडित जी। वो आ रहे हैं कुछ देर में मम्मी, विशु ने बताया। अब तीनों लोग पंडित जी का इंतजार करने लगे। 4 बजते बजते विशु के गेट पर खटपट हुई तो उसके पापा ने निकल कर देखा तो गेट पर पंडित जी और अघोरी जी थे। पंडित जी ने अंदर आते हुए बोले, बस अब एक पूजा उस औरत के घर करनी है अभी इसी वक्त, और उस चिड़िया का अंतिम संस्कार भी अभी करना है। आप लोग बस यहीं अपने घर पर रहिएगा, लेकिन मुझे वो घर बता दीजिए, बाकी मैं खुद देख लूंगा कि कैसे क्या करना है। विशु के पापा ने पंडित जी को बगल वाले घर में ले गए। जैसे पंडित जी और अघोरी के साथ वो भाभी के घर के लिए बढ़े, वैसे ही उन्होंने देखा चिड़िया मरी हुई जमीन पर पड़ी है। उसे उठाकर पंडित जी ने एक कपड़े में लपेटा। विशु के पापा ने गेट खटखटाया तो आकाश ने बाहर आकर दरवाजा खोला और अचानक से वह जो विशु के पापा के साथ 2 लोगों को देखकर पहले से तो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन जैसे अलखनंदन जी ने अपना पैर घर के अंदर रखा, वैसे ही जाने कहां से तमाम चमगादड़ चिल्लाते हुए बाहर निकल गए। भाभी अकड़ी हुई सी पलंग पर पड़ी थी, सांसें उनकी चल रही थी लेकिन हालत बहुत बुरी थी। खुशी भाभी की बगल में बैठी रो रही थी। पंडित जी ने पूजा की तुरंत तैयारी की।
अलखनंदन जी के साथ पूजा में बैठ गए। उन्होंने एक बड़ा सा गोल घेरा बनाकर उसमें खुशी और भाभी को पकड़कर बैठने को बोला कि अपनी मम्मी को पकड़ लो बेटा, और एक घेरा बनाकर आकाश को बिठा दिया। एक छोटा सा घेरा बनाकर मरी हुई चिड़िया को रख दिया और एक घेरे में अपने साथ लाए एक छोटे से कलश को रख दिया। विशु के पापा अपने घर वापस लौट आए थे। सबके बैठने पर पंडित जी ने अलकनंदन के साथ पूजा शुरू कर दी। एक घंटा करीब पूजा चलती रही, फिर विधि विधान से उस चिड़िया का क्रियाकर्म किया गया। भाभी की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। सूरज की पहली किरण की धरती पर पड़ते ही पूरा माहौल अब बदल चुका था। भाभी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। चिड़िया अब राख में मिल चुकी थी। सब बुरी आत्माएं अलकनंदन जी के वश में आ चुकी थी। उनका घर पूरा वातावरण अब शांत और सुखमय हो चुका था। पंडित जी ने पूरे घर में गंगाजल छिड़कवाया और पूरे घर को पवित्र किया। फिर भाभी के पूजा घर में जो दिया जलाकर आरती करने के बाद पूरे घर में धुआं देना है। नियम से रोज सुबह एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को देनी है। ऐसा पितृ पक्ष तक करना है। पितृ पक्ष में नियम अनुसार पितरों को तर्पण देकर एक पूजा करवानी पड़ेगी। आकाश ने हामी भरी और पंडित जी और अलकनंदन जी के पैर छुए। पंडित जी फिर से विशु के घर आकर बोले, विशु बेटा, अगर तुमने सही समय पर मुझे सब बातें नहीं बताई होती तो बगल वाला परिवार उन आत्माओं का शिकार हो जाता। तुमने बेटा बहुत बहादुरी से काम लिया है। कल की रात भी तुमने हर बुरी ताकत से हिम्मत से उनका सामना करके खुद को बचा लिया। अब किसी भी तरह डरने की कोई बात नहीं है। अलकनंदन जी ने बुरी आत्माओं को वश में कर लिया है। अब उनकी मुक्ति के लिए वो खुद ही सब पूजा अपने हिसाब से करेंगे। अब तुम चैन से रात को सो सकती हो। अब कोई चिड़िया तुम्हारी नींद नहीं उड़ाएगी, कहते हुए पंडित जी मुस्कुराने लगे। तो विशु बोली, और वो विकास और भैया, वो तो पहले भी रहते थे ना, और अभी भी रहेंगे जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती। पंडित जी बोले, लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, वो कुछ नहीं करेंगे कभी भी। जैसे अभी बिना खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाए रहते हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे, पंडित जी ने बोला और फिर विशु को आशीर्वाद देकर चले गए। विशु रात भर सो नहीं पाई थी, उसे बहुत थकान हो गई थी और अपनी मम्मी को बोलकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। जब विशु सो रही थी तो कुछ देर बाद एकदम से उसकी आँख खुल गई। उसे लगा कोई आकर उसके पैर को छूकर चला गया। विशु मुस्कुराने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी चिड़िया की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।